कौशाम्बी से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि जहां प्रयागराज में रहकर मजदूरी कर रहे युवक की मौत हो जाने के बाद परिजन मृतक का शरीर लेकर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। दरअसल मृतक मानसिंह का शव उसी के कमरे में पड़ा मिला, जिसके बाद पड़ोसी ने परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। प्रयागराज पुलिस मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम कराने के लिए कौशाम्बी पुलिस के पास जाने को कहा, जिसके बाद मृतक के परिजन शव लेकर कौशाम्बी पुलिस के पास पहुंच गए। कौशाम्बी पुलिस भी शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया और वापस प्रयागराज पुलिस के पास जाने को कहा। मृतक मानसिंह के परिजन इंसाफ के लिए एक जगह से दूसरी जगह ठोकर खा रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ देने के लिए दोनों जिलों की पुलिस तैयार नहीं हो रही। सुबह मेरे पास 9:30 बजे खबर पहुंची, अगल बगल वालों ने खबर दिया तो मैंने उनके पास मौजूद हालत में पहुंचा। दुर्घटना के समय कुछ लोगों ने बताया कि एक दो लोग वहां मौजूद हालत में थे, जो कि वहां से दो लोग चले गए थे। एक लोग वहां पे राहुल कुमार ने मौजूद हालत में अकेला ही रूम में सोया पड़ा था। जैसे मैं पहुँचा देखा डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है।